हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है जो मैं फेस कर रहा था जब मैं अपनी यूएसबी को कनेक्ट करता था कि लिखा रहा था हेलो SS2 SD कार्ड USB फर्स्ट ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। दरअसल ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप USB तो कनेक्ट कर दिए पर आपने उसको परमिशन नहीं दी होती है, तो उसमें आपने SD कार्ड को परमिशन देनी पड़ती है। तो कैसे ये सब करें आज की वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग में। तो सेटिंग में जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, तो इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4-5 आपको फीचर दिखेंगे, तो यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है मैनेज ऐप्स पे। तो जैसे मैनेज ऐप्स पे मैं क्लिक करूँगा, तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है काइनमास्टर को, या फिर जो भी ऐप है हमारा जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको अपने यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। तो फिलहाल मैं अपने ऐप को ओपन कर लेता हूँ जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है। ओपन करने के बाद उसकी स्टोरेज पे जाना है, तो स्टोरेज पे जाने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना अपने ऐप का। तो मैं अपनी स्टोरेज का क्लियर कैच कर देता हूँ, क्लियर डाटा मत कीजिएगा क्योंकि क्लियर डाटा करने से आपका सारी ऐप का जो मेमोरी होगी वो उड़ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें जाना है ऐप परमिशन पे। तो ऐप परमिशन पे आने के बाद हमें यहाँ पे सारी परमिशन जो भी है डिफरेंट ऐप्स की सारी परमिशन इनेबल कर देनी है, और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करनी है। तो सारी परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अदर परमिशन पे। तो अदर परमिशन पे भी हमें क्या करना है, वन बाय वन सारी परमिशन इनेबल कर देनी है। सारी परमिशन इनेबल करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन देखेगा नीचे आपको, जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑप्शन होगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का। तो हमें क्या करना है, इस पर हमें क्लिक करना है और इसमें वाईफाई और मोबाइल डाटा आपको दिखेगा। तो वाईफाई और मोबाइल डाटा इन दोनों को आपको क्या करना है, इनेबल करना है। अगर बाय चांस ऑफ होगा तो इनको ऑन कर लेना है, और ध्यान रखना है इनको कभी ऑफ नहीं करना है। तो ये सब करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लियर डिफॉल्ट का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक बार अपने ऐप को फोर स्टॉप कर दीजिएगा। फोर स्टॉप करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद 5 मिनट वेट कीजिएगा, और 5 मिनट बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी।